प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 28 को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास छठी सब्जेक्ट हिंदी वसंत में हमारा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार चैप्टर, नादान दोस्त। तो इस पार्ट में अभी तक आपने देखा केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं, दोनों चिड़िया और उसके अंडों की देखभाल करना चाहते हैं, इसीलिए वो चिड़िया के लिए दाना रखते हैं, पानी रखते हैं और साथ में धूप न लगे तो छाया भी करते हैं। इसीलिए उसने अंडों को क्या कर दिया, गद्दी पे रख दिया ताकि अंडों को कोई भी दिक्कत ना आए। और अंदर जाके देखने लगा तो चिड़िया जो है वो अंडों को पास आती है और चली जाती है, यानी कि वहाँ पर बैठती नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, दरवाज़ा खुला था। केशव दौड़ दौड़ करके बाहर आता है अंडों को देखने के लिए, चिड़िया को देखने के लिए। तो क्या देखता है कि तीनों के तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े, नीचे गिर गए और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है, कोई चूने का सा कलर वाला कोई चीज़ है, पानी पानी सा वो बाहर निकल आया और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी कि चिड़िया ने प्याली भी गिरा दी, अंडे भी गिरा दिए। तो केशव का रंग उड़ गया। रंग उड़ने का मतलब तो परेशान होना, घबरा जाना, हैरान होना, मतलब वो चौंक जाता है कि ये क्या हुआ, चेहरे का पूरा रंग ही उड़ गया। सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा, बड़ा डरा डरा सा, बड़ा सहमा सहमा सा, बड़ा दुखी मन होकर के उसने नीचे ज़मीन की तरफ देखा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए, क्योंकि श्यामा भी अंडों को देखना चाहती है, बच्चों को देखना चाहती है। तो श्यामा कहती है कि भैया अंडे तो नीचे गिरे हैं लेकिन बच्चे कहाँ उड़ गए। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए, तीनों के तीनों अंडे फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए, श्यामा बोलती है अंडे नीचे टूट गए, तो भैया बच्चे कहाँ गए। केशव कहता बड़े गुस्से में, तेरे सर में, जैसे कई बार इरिटेट हो जाते हैं हम तो हम भी कह देते हैं तेरे सर में, तो इसी तरह केशव भी श्यामा से कहता है कि बच्चे तेरे सर में चले गए, देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, कुछ उजला उजला सा पानी अंडों से बाहर निकल आया है, वही उजला पानी दो चार दिनों में बच्चे बन जाते, लेकिन अभी टाइम से पहले ही अंडे नीचे गिर गए, फूट गए, टूट गए, तो उनसे बच्चे नहीं निकले बल्कि उजला उजला सा पानी निकल आया है। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तो माँ ने भी डंडी छड़ी उठाई और पूछने लगी, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो, क्योंकि माँ इन्हें दो तीन बार अंदर सुला चुकी थी, ये फिर बाहर चले गए थे। तो माँ ने सोटी उठाई, डंडी उठाई और इन्हें पीटने के लिए बाहर पूछने लगी कि भाई तुम बाहर कहाँ चले गए, क्यों चले गए, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। तो माँ ने कह दिया कि तुम दोनों ने ही अंडों को छुआ होगा, जब ही ऐसा हुआ है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया, क्योंकि ये अंडे कहीं ना कहीं केशव ने ही छुए थे, और जो भी अंडे टूटे हैं, जो चिड़िया ने तोड़े दिए, उनका जो मेन कारण है वो केशव ही है। न केशव अंडों को पकड़ता, हाथ लगाता, तो आज अंडे टूटते नहीं, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को लग रहा है कि भैया ने अंडों को ठीक से नहीं रखा, इसलिए वो लुढ़क गए और नीचे गिर गए, इसकी उससे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो के श्यामा ने भी पूरी ईमानदारी से शिकायत कर दी कि मैया, जो भैया केशव है ना, इन्होंने अंडों को छुआ, इन्होंने अंडों को गद्दी पे रखा और शायद इन्हीं से वो अंडे नीचे टूट गए। तो यह है आज की वर्कशीट। यहाँ पर आपने देखा कि जो केशव है उसने करनी तो मदद चाही, लेकिन क्या हो गई, नादानी हो गई और अंडे इसी के चलते हुए
टूट गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्यामा, ये केशव और ये मम्मी जो कि दोनों बच्चों को डरा रही है, धमका रही है। तो पहला सवाल है यहाँ पर MCQ, तो आपने क्या करना है, चारों ऑप्शन लिखने, पहले पूरा प्रश्न लिखेंगे, पूरे प्रश्न के बाद ये चारों ऑप्शन लिखेंगे और चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है उसे लिखेंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, अंडों के नीचे गिरकर टूटने पर उनमें से कौन सी चीज़ बाहर निकल आई थी। तो जब अंडे टूट गए थे तो उनसे कोई चीज़ बाहर निकल आई थी, कौन सी, पानी, छोटे बच्चे, चूने की सी चीज़ या कुछ नहीं। तो इसका आंसर है ग, यानी कि चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई थी। अगला सवाल है, चेहरे का रंग उड़ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। चेहरे का रंग कब उड़ता है, हैरान होना, परेशान होना, दुखी होना या सभी। तो आई थिंक यहाँ पर सभी जो अर्थ है ना वो सिमिलर से हैं। हैरान होना परेशान होने वाली बात है, परेशान होने में दुखी होता है इंसान। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सभी, यानी कि तीनों। तीसरा सवाल है, सोटी शब्द का क्या अर्थ है। सोटी, सोटी का मतलब सीटी, सोटी का मतलब डंडी, सोटी का मतलब लाठी या ये सभी। तो ज़रा गौर से ध्यान दीजिए, सोटी का मतलब क्या डंडी और लाठी दोनों होती है। कहीं हद तक सोटी का अर्थ होता है डंडा या लाठी, लेकिन यहाँ पर जो सोटी है ना, लाठी थोड़ी बड़ी होती है और सोटी छोटी और पतली होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ख, यानी कि डंडी। और अगला सवाल देखो, केशव घबरा कर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा। और साथ में पांचवा सवाल, तो इन दोनों को हम देखते हैं। तो चौथे सवाल का आंसर आप देख सकते हैं कि केशव घबरा कर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा। उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उन अंडों से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो ये केशव ने देखा बाहर आकर, जब भी वो घबरा कर बाहर आता है। अगला सवाल है पांचवा, और बच्चे कहाँ गए। श्यामा के सवाल का केशव ने क्या जवाब दिया। जब श्यामा पूछती है कि भैया अंडे तो नीचे टूट गए लेकिन बच्चे कहाँ गए, तो केशव क्या कहता है, और बच्चे कहाँ गए। श्यामा के सवाल के जवाब में केशव ने गुस्से में कहा, तेरे सर में, सबसे पहले क्या कहा, तेरे सर पे। अंडों से जो उजला सा पानी बाहर निकला है उसी से बच्चे बनते, लेकिन अब सब बेकार हो गया। तो क्या बताता है कि मुझे जो अंडे हैं ना उनसे को उजला सा पानी बाहर निकल आया है और यही उजला पानी बच्चे बनते, लेकिन अब वो टूट गए हैं। तो यहाँ पर बच्चे बनना बड़ा मुश्किल है। तो ये है आपके लिए आज की वर्कशीट, कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, साथ ही आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो अंडे टूटे हैं उनका कारण क्या है, उनका मेन कारण क्या है, आखिरी अंडे क्यों टूटे हैं, क्या चिड़िया ने जानबूझकर तोड़े हैं, तो जानबूझकर भी तोड़े हैं तो इसका क्या कारण है, कमेंट में मुझे अपना आंसर बताएंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। बाय।